बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित आज भी अपने स्टाइलिश लुक, कमाल का फैशन सेंस और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। 90 के दशक की वो पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके स्टाइलिंग की चर्चा देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती थी। माधुरी दीक्षित की आई फिल्म राजा हर किसी को याद होगी, क्योंकि उस समय उस फिल्म का एक जो गाना था, अखियां मिलाऊं या चुराऊं, काफी ज्यादा फेमस हुआ था और साथ ही माधुरी का स्टाइल भी। बता दें कि 25 साल हो चुके हैं इस फिल्म की रिलीज को, लेकिन फिर भी आज भी लोगों की जुबान पर ये गाना है। माधुरी दीक्षित ने इस गाने में जो एक जैकेट पहनी थी उसकी काफी चर्चाएं हुई। बता दें कि इस गाने में माधुरी ने मल्टी शेड क्रॉप टॉप के साथ झिलमिलाती जैकेट को काली पैंट और एक चंकी बेल्ट के साथ पहना था, जिसके साथ सटक मेकअप, स्मोकी आईज और बैंग्स हेयर स्टाइल उनके लुक को अट्रैक्टिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। यही नहीं, जैसे ही माधुरी का ये लुक सामने आया तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। हालांकि अब सालों बाद इसकी चर्चा फिर से होने लगी है। दरअसल इसे इटालियन लग्जरी ब्रांड वर्साचे की कलेक्शन की नकली कॉपी बताया गया है। डाइट सभ्या नाम का इंस्टाग्राम पर एक पेज है जिसने माधुरी के इन कपड़ों को कॉपी बताया है। यही नहीं, सुपर मॉडल क्रिस्टी जब रैम पर इस जैकेट को पहनकर वॉक कर रही थी तो उनका स्टाइल भी देखने लायक था। सबसे मजेदार बात तो ये है कि फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने डाइट सभ्या के पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा, उस समय स्टाइलिश कपड़ों के लिए पहुंच असंभव थी, आवश्यकता को पूरा करना जरूरी था, जिसके लिए हमें कोई खेद नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।